करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत YouTube चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् देववाणी संस्कृत YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों तर्क भाषा को हम पढ़ रहे हैं और आज इसकी हम कक्षा संख्या दो को पढ़ेंगे एक कक्षा आपको हमने पढ़ा दी है आज हमारी दूसरी कक्षा है द्वितीय तो कक्षा प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया है तर्क भाषा उस पर क्लिक करेंगे सभी कक्षाएं आपको क्रमशः मिल जाए ठीक है अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं चलिएगा ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है ये यहाँ पर आपसे किसी से भी कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है केवल फीस ही आ, केवल आपको पढ़ना होता है बस तो अधिक से अधिक लोग पढ़ें यही हमारी अपेक्षा है हमारी इच्छा है चलिएगा तो गत कक्षा में हमने कुछ आपको ये पढ़ाया था इसके आरंभ आरंभ में आ, एक तो ये श्लोक पढ़ाया था ठीक है और ये न्याय दर्शन का सूत्र था और फिर उद्देश्य लक्षण परीक्षा के बारे में कुछ बातें बताई थी ठीक है अब इसी पर थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें से होगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आपको आप पूरा समझ में आ जाएगा हमारे जो प्राचीन विद्वान हुआ करते थे उनका एक नियम था कि जब भी वो कोई किसी ग्रंथ की रचना करते थे ग्रंथ का निर्माण करते थे तो उस उस ग्रंथ के के किसे संबंधित चार बातें ठीक है चार बातें वो अपने ग्रंथ के आरंभ में ही बता दिया करते थे क्या ग्रंथ के आरंभ में ही बता दिया करते थे कोई ऐसा श्लोक लिख करके या कोई पंक्ति लिख करके उन चार बातों को उन्होंने नाम दिया था अनुबंध चतुष्टयम ठीक है सुन लीजिएगा वैसे तो लिखने की क्या आवश्यकता लिख देता हूँ अनुबंध चतुष्ट अनुबंध बंध ठीक है अनुबंध चतुष्टय वो चार बातें कौन कौन सी थी जिनको अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता था वो बातें थी नंबर एक था विषय नंबर दो था हमारा अधिकारी ठीक है जी नंबर तीन था हमारा प्रयोजन और नंबर चार था हमारा संबंध ठीक है ये चार बातें ग्रंथ के विषय को बनाने से बनाने से पूर्व मैंने बता देते थे कि इस ग्रंथ के विषय ग्रंथ में क्या विषय है इस ग्रंथ का कौन अधिकारी है इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है और इस ग्रंथ में आपस में परस्पर जो ये है क्या संबंध है ठीक है तो यहाँ पर श्री केशव मिश्र जी ने ये चारों बातें अपने इस श्लोक के अंदर बता दी इस श्लोक के अंदर बता दी विषय इन्होंने बता दिया था कि न्याय नये इसका विषय क्या होगा इसका विषय होगा न्याय न्याय क्या है प्रमाण प्रमेय संशय आदि जो सोलह पदार्थ हैं वो इसका विषय है ठीक है या इस शब्द से न्याय नये कह करके तो विषय बता दिया इस ग्रंथ में इसी को बताया जाएगा और अधिकारी इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है अधिकारी भी बता दिया था कि बालो पियो अलसाह श्रुतेन वांछती अल्पेन कि कोई जो इस विषय का जानकार नहीं है न्याय सिद्धांतों को नहीं जानता है ऐसे लोगों को सरलता से मान ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोगों को लोग इसके पढ़ने के अधिकारी है जो जानते ही हैं सिद्ध पूरा वो क्या पढ़ेंगे इसको तो अर्थात न्याय सिद्धांतों को नहीं जानते हैं और वो जानने की इच्छा करने वाले हैं तो वो क्या है इसके अधिकारी हैं और प्रयोजन इसका प्रयोजन क्या है प्रयोजन ये बता दिया था कि प्रयोजन ये है कि वो जो अधिकारी है वो अल्पेन श्रुतेन से आराम से इसको समझ ले न्याय दर्शन को न्याय सोलह प्रमाण है उनको आसानी से समझ में आ जाए ये इस ग्रंथ का लिखने का प्रयोजन है ठीक है और इसका जो संबंध है ठीक है संबंध क्या है संबंध ये है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक ये जो ग्रंथ है ये क्या है न्याय सोलह आदि प्रमाण जो प्रतिपाद्य हैं तो ये प्रतिपादक है ग्रंथ और जो आदि प्रमाण प्रमाण आदि सोलह तो पदार्थ हैं वो है प्रतिपाद्य तो प्रतिपादक प्रतिपाद्य का संबंध है और जो पढ़ने वाला अधिकारी है उसका क्या है वो बोधक है और जो इसके अंदर सोलह आदि प्रमाण है वो बोध है तो बो, बोध्य और बोधक भाव का संबंध है ठीक है जो पढ़ने वाला होगा उसका तो इस ग्रंथ के साथ में बोध्य और बोधक भाव का संबंध होगा ये ग्रंथ बोध्य होगा और जो पढ़ने वाला बोधक होगा ठीक है सो जो न्याय दर्शन है वो क्या है प्रत्ये न्याय दर्शन के सोलह आदि पदार्थ प्रतिपाद्य हैं, ठीक है और ये ग्रंथ क्या है प्रतिपादक है तो इस प्रकार से इन्होंने ये बता दिया था कि संक्षिप्त युक्ति युक्ति अन्वित तो संक्षिप्त रूप से ये इसका न्याय दर्शन का इसमें समझाया जाएगा जो सोलह आदि प्रमाण है तो ये अनुबंध चतुष्ट ये ग्रंथ के आदि में बता दिया चलिएगा अब ये हो गया हमारा एक अब आगे इसके है हमारा ये बनाया था इन्होंने लक्षण इन्होंने आ, क्या बनाया था कि जो शास्त्र की प्रवृत्ति होती है ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है वो तीन प्रकार से होती है उद्देश्य लक्षण परीक्षा ठीक है तो ये हमने आपको तर्क संग्रह में भी पढ़ाया था तर्क संग्रह में भी आपको पढ़ाया है कि जो लक्षण बनाया जाता है मैं उद्देश्य तो बता दिया था है नाम मात्र वस्तु क्या लिखा था, ही था। नाम मात्र संकीर्तनम किसी भी वस्तु का संकीर्तन नाम बताना उद्देश्य है लक्षण बनाते हैं तो लक्षण बनाते समय हमें क्या है तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए माने तीन तीन क्या है वो दोष वो तीन दोषों से रहित लक्षण ही सही लक्षण होता है ये आपको वहां तर्क में पढ़ाया था कौन कौन से दोष हैं वो एक तो दोष है अव्याप्ति हमारा जो लक्षण हो वो कैसा होना चाहिए अव्याप्ति वाला होना चाहिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए अभी बताएंगे अव्याप्ति क्या होती है और दूसरा दोष है अतिव्याप्ति ठीक है और तीसरा दोष है असंभव ठीक है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन तीन दोषों से रहित हमारा लक्षण होना चाहिए ठीक है यदि इनमें से एक भी दोष लक्षण के लक्षण में घटित हो गया तो फिर वो लक्षण सही नहीं माना जाएगा वो गलत वो उससे हम वस्तु का ठीक से ज्ञान नहीं कर सकते अर्थात जो पदार्थ यहाँ पर जो न्याय दर्शन में बताए उनका पूरा पूरा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता ठीक है अब आइएगा यहाँ पर एक लक्षण इन्होंने दिया था क्या दिया था यह दिया था गो का लक्षण बनाया था इन्होंने क्या बनाया था गो का लक्षण लक्षण बनाते समय एक तो लक्षण क्या होता है असाधारण धर्म वचना वस्तु का जो असाधारण धर्म होता उसको ही उसके साथ संबंध करके बताने का नाम क्या होता है लक्षण होता है असाधारण का अर्थात हो गया वो उसी में है दूसरे में नहीं है दूसरे में हो गया तो साधारण हो गया मैं भी मनुष्य आप भी मनुष्य तो मनुष्य तो सामान्य हो गया मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर में किसी के अंदर नहीं है ठीक मेरा जो रूप है वो किसी के अंदर नहीं है वो मेरा असाधारण हो गया तो यहां बनाया था गो यथा गोह शासनादि मत्व ये लक्षण बनाया था कि शासनादि शासनादि होना गल कम्बल होना है होना ही गौ का गौ का क्या होता है गौ को कैसे पहचानेंगे जिसके गल कम्बल है उसको हम कहेंगे ये गौ है अब अब क्या हुआ ये लक्षण बिल्कुल सही है इसमें न तो अव्याप्ति लक्षण है वो अव्याप्ति दोष है और ना इसके अंदर अति दोष है और ना असंभव दोष है अब एक एक दोष को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अव्याप्ति दोष क्या होता है ठीक है अव्याप्ति का अर्थ हो गया कि हम जो लक्षण बना रहे हैं जिसका बना रहे हैं चलिए हम जिस वस्तु का जिस पदार्थ का जो लक्षण बना रहे हैं उसकी एक देश में तो उसकी प्रवृत्ति हो जाए जिसका लक्षण बना रहे हैं उसकी एक देश में हो जाए एक देश में नहीं हो होप्ति माने सब जगह व्याप्ति नहीं है हम गाय का लक्षण बना रहे हैं ठीक है गाय का लक्षण ये तो सभी गायों में घटित हो रहा है क्या है सभी गायों में घटित हो रहा है परंतु हम ऐसा यहां तो ये शासनादिमत्व इसकी तो सब जगह सब गायों में जो जो गौ प्राणी है उनमें सब जगह व्याप्ति हो रही है परंतु अव्याप्ति माने एक कई गाय में दिख गया दूसरी में नहीं दिख रहा वो तो ऐसा लक्षण तो जैसा मानिएगा ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर आप अच्छी तरह से में जाएगा ये लिखा मैंने अव्याप्ति दोष आप भी इनको लिख लीजिएगा ये लिख सकते हैं तो ये अव्याप्ति है और ये अतिव्याप्ति और असंभव ठीक है अव्याप्ति दोष की जो परिभाषा की गई है आ, न्याय 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 सिद्धांतों में तो उसकी कही लक्ष्य देशावृत्तित्व देशा देशावृत्तित्व अर्थात जो लक्ष्य है लक्ष्य के एक देश में उस लक्षण का घटित न होना अर्थात कि नहीं कहीं पर मे किसी पर जो लक्ष्य हमने मानिएगा हमने गऊ का लक्षण बनाया गौ का लक्षण हमने ये बना दिया यहां पर मानिएगा शावलेयत्व गोह लक्षण गौ किसको कहते हैं कहते हैं शावलेयत्व माने चितकवरा माने चितकबरा जहां पर हम जिसके ऊपर चितकबरा देखेंगे जो जो चितकबरा होगा वो गाय होती है तो अब क्या हो जाएगा जो गाय है कुछ गाय तो चितकबरी होती है परंतु गाय का लक्ष, जिस गाय का लक्षण बना रहे हैं गाय का उस संपूर्ण गो जाति में ये घटित तो तो होगा ही नहीं सभी गाय तो है नहीं कोई काली भी है कोई सफेद भी है कोई चितकबरी भी है तो चितकबरी चितकबरी में घटित हो जाएगा और जो शेष गाय रह गई उनमें घटित नहीं होगा तो वही लक्ष्य देश अवृत्तित्व ये आया जोड़ दिया देशावृत्तित्व ने देश अवृत्तित्व अर्थात हम गाय का लक्षण बना रहे हैं संपूर्ण गाय जाति का तो वो गाय जाति में गाय में से कुछ भाग में कुछ गौओ में घटित हो रहा कुछ में घटते नहीं हो रहा ये लक्षण गलत इससे गाय की पहचान नहीं होगी तो इसलिए ये कैसा दोष है अव्याप्ति इसलिए गाय का लक्षण ये नहीं बनाया जा सकता है शावलेयत्व गोह लक्षणम ठीक है इसी प्रकार से अतिव्याप्ति वाला है अतिव्याप्ति की जो परिभाषा दी है वो ये दी है कि अलक्ष्य वृत्तित्व ठीक है अलक्ष्य वृत्तित्व अर्थात हम जिसका लक्षण बना रहे हैं वो लक्षण उसमें तो उस पूरे में घटित हो परंतु उससे अलग अन्यत्र भी घटित हो जाए जैसे जैसे श्रृंगित्व गोर लक्षणम श्रृंगित्व का होना सींग का होना गाय की पहचान है भाई जिसके सींग उसको जानना चाहिए गाय है ये तो ठीक है सभी गायों के सींग होते हैं तो ये सब जगह गाय में पूरी तरह से घटता तो। परंतु ये क्या है गाय से बाहर बकरी हो गई भैंस हो गई है भेड़ भेड़ का तो नहीं सिंह होता बकरी का होता है ठीक है और भी हिरण आदि हैं और भी अन्य पाणी हैं उनको भी सिंह होते हैं तो ये क्या है जिसका हम लक्षण बना रहे हैं जिस लक्ष्य का गोलक्ष्य का तो उस गोलक्ष्य में तो घटित हो रहा है पूरी तरह से परंतु तो उससे बाहर भी जा रहा है व्याप्ति हो रही है तो ये भी गलत लक्षण है गाय का ये लक्षण नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये वाला लक्षण क्या है अति व्याप्ति दोष से ग्रस्त है ठीक है अब तीसरा लक्षण है असंभव असंभव न असंभव दोष वाला भी नहीं होना चाहिए असंभव दोष वाला असंभव की परिभाषा बनाई इन्होंने कि लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व कि हम लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व ऐसा है वास्तव में जोड़ दिया है कि हम जो लक्ष्य है जो लक्ष्य माने जिसका लक्षण बना रहे हैं उसमें वो कहीं पर भी नहीं घटित होता हो हम गाय का ऐसा लक्षण बनाए कि वो गाय में किसी भी गाय में घटित नहीं होता वो दूसरी जगह घटित होता हो तो ऐसा भी लक्षण गलत होता है जैसे यहां पर उदाहरण दे रहे हैं एक शफत्वम गोरा गोरलक्षणम ये किसी ने बना दिया भाई गाय की गाय का लक्षण क्या है तो किसी ने कह दिया गो एक गोरा लक्षण शफ़ का अर्थ होता है खुर जो ये चतुष्पद प्राणी होते हैं उनके क्या होते हैं खुर होते हैं तो क्या होता है कुछ प्राणी उनमें से एक खुर के होते हैं अर्थात बीच में चिरे हुए नहीं होते जो उनका नीचे का होता है ना तो जैसे गाय हो गई तो ये गाय भैंस आदि ठीक है और इनके जो नीचे का जो खुर होता है वो चिरा हुआ होता है बीच में से ऐसे दो दो भाग होते हैं और जो घोड़ा आदि होता है घोड़ा खच्चर आदि उनके क्या होते गोल होते हैं वो चिरे हुए बीच में नहीं होते हैं ठीक है तो एक सफत्म का अर्थ हुआ जिनका चिरा हुआ नहीं है बीच में से जो खुर है वो चिरा हुआ नहीं है तो किसी ने कहा गोर लक्षणम एक शपथम तो ये जो एक शपथम ये तो किसी भी गाय में नहीं घटित होता क्योंकि गाय के तो दो होते दो चिरा हुआ होता है बीच में ये तो असंभव है माने किसी भी गाय में संभव ही नहीं है एक शपथम होना तो ये कैसा दोष है असंभव यानी घटती ही नहीं होगा लक्षण तो बेकार ही है ये तो बेकार <laughs> होने गलत नहीं है तो इन इस प्रकार से ये तो गोर इसी जिस किसी का भी लक्षण बनाएंगे ये तो वहां पर ये ध्यान रख करके बनाएंगे कि भाई तीन, तीन दोषों से ग्रस्त वो लक्षण नहीं होना चाहिए ठीक है इसके अलावा और भी दोष हैं पर वो न्याय दर्शन में ही समझ में आएंगे अभी आपको इन तीन दोषों का ही परिज्ञान कर लेना चाहिए कि तीन दोषों से न... ग्रस्त हमारा लक्षण नहीं होना चाहिए युक्त नहीं होना चाहिए इन तीन दोषों से रहित होना चाहिए अब जो गो क्या होता था गोह हो शासनादिम वो क्या है वो तो एकदम सही है इन तीनों दोषों में जो जो गाय होगी उस उसमें वो लक्षण घटित होगा उसको गलकम्बल होगा ही नहीं है गलकम्बल तो गाय नहीं है ठीक है चलिए ये हो गया हमारा ठीक है जी तो अब ये जो लक्षण बनाया इन्होंने ये यहां पर गौह मत्तम ये क्या है तीनों दोषों से रहित लक्षण है चलिएगा अब हम चलते आगे यहां तक तो हो गया था हमारा अब कहते हैं प्रमाण पदार्थ निरूपण प्रमाण रूपी जो सोलह पदार्थों में से पहला प्रमाण है उसका निरूपण करेंगे उसका विवेचन करेंगे उसको समझाएंगे प्रमाण क्या है ठीक है कहते हैं तत्रापि प्रथम उद्दिष प्रमाण से तावल लक्षण उच्यते जो प्रमाण आदि सोलह पदार्थ हैं उनमें सत्र माने उन सोलह में भी प्रथम माने पहले उद्दिष्ट माने उद्दिश उद्देश्य में बताया गया है प्रमाण जो प्रमाण है उद्दिष्ट प्रमाण का तावत माने तब अब लक्षणम उच्चते लक्षण बताया जाता है मान लक्षण बताते हैं कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाणम प्रमाण किसको बोलते हैं तो कहते हैं प्रमा कारणम प्रमा का जो साधन होता है उसको क्या बोलते हैं प्रमाण प्रमा आपको हमने बताई थी तर्क संग्रह में फिर दोबारा समझ लेंगे प्रमा क्या होता है यथार्थानुभव यथार्थानुभव क्या होती है प्रमा तो उस प्रमा का कर्ण मन उस प्रमा को यथार्थानुभव ध्यान रखेंगे यथार्थानुभव को प्राप्त करने का जो साधन होता है वो उसको कहते हैं प्रमाण ठीक है सरल प्रमाकरणम प्रमा का करण मान साधन जो होता है उसको प्रमाण बोलते हैं ठीक है कहते हैं अत्र प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम आप ध्यान दीजिए अब कहते हैं ये लक्षण ये लक्ष्य ये बनाया हमने क्या कहा ये ये वाक्य का प्रमाकरणम प्रमाणम तो अब इसमें कोई प्रश्न करने लगे कि भाई इसमें लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है <laughs> ठीक है लक्षण क्या है लक्ष्य क्या है कोई ये नहीं कहे कि ये लक्ष्य ये ल, ये लक्षण है और ये लक्ष्य है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कह रहे हैं इसमें क्या अत्र माना अत्र यहां पर प्रमाणम लक्ष्यम लक्ष्य क्या है प्रमाण प्रमाण हमने यह लक्ष्य बना लिया इसका लक्षण बनाना है और प्रमाकरणम लक्षणम ये प्रमाण का लक्षण है तो ये क्या हो गया लक्ष्य और ये हो गया लक्षण यही का यही की बात बताई है तो प्रमाणम प्रमाणम को पूछे प्रमाणम क्या है तो उसका लक्षण दिया प्रमाकरणम प्रमाणम ठीक है ये हो गया अब कहते हैं कि ननु प्रमायाह कारणम चेत प्रमाणम तारिहितस्य फलंबकत्व्यम् कारणस्य फलावत्त नियमात अब भाई कोई मतलब ऐसे प्रश्न और उसमें ऐसे चलेगा तो वो कह रहे हैं भाई आ, हमने पूछा कि भाई प्रमा प्रमाकरणम प्रमाणम इसमें लक्ष्य लक्षण क्या है तो आपने बता दिया भाई प्रमाकरणम ये तो लक्षण है और प्रमाणम ये है लक्ष्य परंतु अब ये बताइए हमें प्रमायाकरणम चेत प्रमाणम प्रमा का करण तो यदि प्रमाण हो गया ठीक है साधन बताया प्रमाकरणम प्रमा का साधन जो होता है उसको प्रमाण कहते हैं तो प्रमा का करण यदि प्रमाण मान ले हम तो तस्य फलम वक्तव्यम फिर उसका फल बताना चाहिए उसका प्रमाण का प्रमाण का फल क्या है फिर भाई तो माने उसका प्रयोजन क्या है फल माना प्रयोजन तो नहीं उसका फल क्या है उसको उसको के? उसको जरूरत क्या है उसकी तो तस्य फलम वक्तव्यम क्योंकि अच्छा, प्रमाण करण से कर्ण का फल बताना चाहिए यदि प्रमा का कारण प्रमाण है तो फिर उस प्रमाण अथवा बात है कारण का फल बताना चाहिए क्योंकि कर, फलवत्व नियमात क्योंकि शास्त्र में ये नियम ये निश्चित किया जाता है कि कर्ण का कर्ण कैसा होता है फलवत्व कर्ण का फलवान होना ये निश्चित रूप से फलवान होता है कर्ण कर्ण का फल होता है तो कर्ण का फल क्या है प्रमाण का फल क्या है तो कहते हैं सत्यम ठीक है जी बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही बात कही जब सत्यम ये कोई प्रश्न करेगा और जो दूसरा उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो ये कहेगा सत्यम तो सत्यम जब कहेगा तो उसका तात्पर्य है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका प्रश्न आधी मात्रा में तो पूरा सही है आधा उसका प्रश्न बिल्कुल सही है और थोड़ी उसको शंका है उसका निवारण करेंगे तब कहते हैं सत्यम ठीक है भाई ये तो बात तो ठीक है आपकी सत्यम फलम बाई जो करण प्रमाण है उसका फल क्या है प्रमाणी प्रमाण से क्या प्राप्त होता है यथार्थानुभव और यथार्थानुभवी क्या है प्रमा ठीक है तो कह प्रम प्रमा एवं प्रमय फलम साध्यम क्योंकि प्रमाण से क्या साध्य है क्या सिद्ध करना होता है मैंने प्र, प्रमाण से क्या प्राप्त होता है प्रमा प्रमाण से हम क्या यथार्थ अनुभव को प्राप्त करते तो वही प्रमाण तो कहते हैं उसका प्रमाण का करण का फल क्या है प्रमाण प्रमा मान प्रमा यथार्थानुभव यथा एक उदाहरण दे रहे बहुत सुंदर समझ में आ जाएगा आपको छिदा करणस्य पर फल छिदा करण से छिदा छिदा का अर्थ होता है छिदिदा छिदा कारण है छेद छेद छेदना छिदा करण से माने छेद करने का माने काटने का छेद कह सकते हैं काटना कह सकते हैं काटने का जो करण काटने का करण क्या है यहां पर लिया परशु कुलाड़ा ये कुलाड़ा कुलाड़ी कुलाड़ी का माने काटने की कुलाड़ी का वो क्या छिदा करण क्या परशु कुलाड़ी का छिदा एवं फलम भाई उस कुलाड़ी का फल क्या है कुलाड़ी का फल है कुलाड़ी किस लिए लोग रखते हैं उस कुलाड़ी का प, प, हमें फल क्या मिलता है काटना किसी चीज को काटता है काटना ही उसका फल है काटने का जो साधन है उस साधन का फल क्या है काटना भाई आप कहो कुलाड़ी किस लिए रख रहे हो कुलाड़ी क्यों ले जा रहे हो तो कुलाड़ी क्या है काटने का साधन है और आप जब उसको पूछे भाई इसका फल क्या है इसका क्यों क्या मतलब इसका तो बोला इसको इसका फल है काटना लकड़ी काटूंगा तो वैसे ही प्रमाण जो करण है उसका फल भी क्या है वो प्रमाण का करण है और उसका फल भी प्रमा ही है क्योंकि प्रमाण का प्रमाण से किसकी प्राप्ति होती है यथार्थानुभव की ठीक है तो परशोष छेदाई व फालम भाई तो उसका काटना ही तो फल होता है चलिए चलिए तो आज इतना ही करिएगा क्योंकि ज्यादा अधिक पढ़ाने से उतना नहीं आप थोड़ा सा अभ्यास के साथ पढ़ेंगे तभी आनंद आएगा ठीक है तो पढ़ाने के लिए तो उसको एक हफ्ते में समाप्त कर दें पर लाभ तो नहीं है ना थोड़ा चिंतन करेंगे आप भी तो आज मैंने आपको एक तो ये बता दिया प्रमाण का लक्षण बता दिया और फल भी बता दिया जी ठीक है और जो लक्षण बनाए उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि तीन दोषों से रहित होना चाहिए अव्याप्त अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव ठीक है चलिए, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे प्रमा थीके? प्रमा क्या होती है देखो अब ये प्रमा आ गया तो अब प्रमा भी बताना पड़ेगा ठीक है तो ये आगे सब आ जाएगा आपको ठीक है यहाँ देखिए, ये उच्चते ये प्रमा क्या यथार्थानुभवा प्रमा ये मैंने ये बता दिया पहले ठीक है Yeah. तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा आनंद आएगा आपको पढ़ के बहुत आपको जो प्राचीन हमारे ऋषियों मुनियों ने किस स्तर तक चिंतन किया है उस चिंतन से आप परिचित होंगे आप बेशक डॉक्टर हैं आप इंजीनियर हैं आप किसी अन्य विषय के अध्यापक प्राध्यापक हैं अच्छी बात है परंतु आप इस ज्ञान से भी परिचित हो जाएंगे कि हां जी संस्कृत भाषा के अंदर भी प्राचीन समय में उच्च स्तर का चिंतन मनन किया गया है तर्क वितर्क किया गया है सर्वेभ्यो नमः